नकली 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 खाद्य सामग्री परे एबे कटकरे डिटर्जेंट पाउडर भी नकली नामी दामी ब्रांड रो असली रापर लगाई बिक्री करा जाउची नकली डिटर्जेंट पाउडर एभली भावे नकली डिटर्जेंट पाउडर कारखाना उपरे चढ़ाव करी 3.5 टन रो नकली डिटर्जेंट पाउडर जबत करी पारे सफल होईची मालगोदाम थाना पुलिस एथिरे अभिजित बेहरा नामक व्यक्ति को गिरफ्त करा जाइछे। गत 17 तारीख रे कटक रेल स्टेशन रो मालगोदाम पटे नकली डिटर्जेंट पाउडर जीवार खबर पाइथला मालगोदाम थाना पुलिस। एहा परे महांगा टांकीर ब्राह्मणपड़ा और प्रताप नगरी अंचल कारखाना उपरे पुलिस चढ़ाव करथला। एथिरे 3300 केजी नकली डिटर्जेंट पाउडर मेसीन रापर एवं 2 माल परिवहन गाड़ी जबत करिछे पुलिस। तेबे ही घटनारे संप्रुक्त अन्य 2 जनों को धरिबा पई विभिन्न स्थान रे चढ़ाव जारी रहितबा कहिछंती जोन 1 एसपी। से अवसर मालगोदाम थाना रे आमे गोटे केस करछु, चिटिंग रे गोटे केस करछु। आमको 1800 केजी भलिया लूज्ड फिनिश प्रोडक्ट मिलिछि जोटा पैकेज हेइ थांता, आउ आमको 1540 केजी रो पैकेज सर्फ एक्सेल पैकेट रे ही फाइव इंडिया जिनस मिलिछि। पाखा पाखी 3340 केजी रो आमको सर्फ एक्सेल पाउडर जोटा इलीगली तयार होतला। एबे जे अभिजित बेहरा जे मैन्युफैक्चरर से अटक अछि, तार सहयोगी आउ इतरे जे जे अछन्ति पैकेजिंग आ मैन्युफैक्चरिंग रे ताको धरिया पे हमरो काम अबे चलछ। एही नकली डिटर्जेंट पाउडर व्यवहार कले कपड़ा खराब हेबा सह चर्म रोग मध्य होइथाय बोली कहिछन्ति हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी विशेषज्ञ। नकली डिटर्जेंट पाउडर रे सोडा लुण रंग और किसी केमिकाल लिक्विड रो व्यवहार करा जायथाय। सेबडे नामी दामी कंपनी रो ब्रांड लगाई नकली सर्फ कारखाना विरोध रे कंपनी पक्षरु एतला दिया जाय दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण पई प्रार्थना करा जिवो। एहा सह कोनसी व्यक्ति नकली सर्फ न किणंतु बोली कंपनी विशेषज्ञ जनसाधारण को अपील करिछंती। इसका जो नकली सामान जो बेचता है, इसका क्वालिटी बहुत खराब है और ये यूज करने का बाद वो जो कपड़ा भी खराब हो जाएगा, उसका साथ में स्किन डिजीज भी आ जाएगा। तो ये मत यूज करने के लिए बोल रहा हूँ और इनका ऊपर अभी हम लीगल एक्शन ले रहा हूँ, इसके ऊपर FIR भी कर रहा हूँ। नकली खाद्य सामग्री पर नकली डिटर्जेंट पाउडर चढ़ा हुई है, जरिमाना आदाय भी हो तेरे सठिक भाव यह मानुफैक्चर व्यवसायी दंड पाऊ तो ताकू नहीं उठला प्रश्न। कटकरु वीडियो जर्नलिस्ट गौतम महांती इमरान खान को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।